हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद उज़मा। तो आज जो मैं रेसिपी लाई हूँ वो है अंडा करी, यानी एग करी। तो फ्रेंड्स, वो किस तरह से मैं बनाती हूँ आइए मैं आपको बता देती हूँ। तो उसके लिए मैंने 3-4 अंडे लिए हैं, इनको उबाल लिया है। एक बड़ी प्याज ली है, उसको ग्राइंड कर लिया है बारीक। 1 चम्मच जीरा, फ्रेंड्स मैंने ऑयल गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें ये अंडे जो हैं ये फ्राई करूँगी। मेरे 4 अंडे फ्राई हो चुके हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे 4 अंडे, मैंने इनको फ्राई कर लिया है। तो मैं इसमें ये प्याज का पेस्ट जो है मैंने करा है इसमें डाल दूंगी। मैं 2 चम्मच डालूंगी धनिया पाउडर। एक चम्मच मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। मिर्च इसमें कम ही पड़ती है क्योंकि मैंने मिर्च कम डाली है, क्योंकि मिर्च अंडे में कम ही पड़ती है। 1 चम्मच जीरा, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी, कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए इस मसाले को भूनूंगी। इसमें मैं डालूंगी कश्मीरी मिर्च। अकॉर्डिंग मैं इसमें नमक ऐड करूंगी और इसको अच्छी तरह से भून लूंगी। मैंने इसमें 2 आलू लिए थे बाउल, जो मैंने बॉयल करने में तो उबाल लिए थे, और मैंने इस तरह से उसको पीसेस कर लिए हैं। वो भी मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ अपनी ग्रेवी में। तो इस आलू के मैंने पीसेस छोटे छोटे कर लिए हैं जो मैं इसमें ऐड करूँगी। ये ऑलरेडी ही मैंने उबाल रखे हैं कि गले हुए हैं, इनको ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ग्रेवी में मिक्स कर लूँगी इसको इस तरह से। फ्रेंड्स मेरी रेडी हो चुकी है ग्रेवी, तेल सेपरेट हो चुका है, मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। अब जो मेरा एग है फ्राई, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी।
अब मैं इसे कुछ देर के लिए रखूँगी बनने के लिए, कम से कम 5 से 7, 5 से 6 मिनट, ताकि अच्छी तरह से बन जाए। और मेरी रेडी है एक करी। तो फ्रेंड्स मेरी रेडी हो चुकी है एक करी, और अब मैं देखिए इसको मैं डिश आउट करा है, थोड़ा सा हरा धनिया से गार्निश करूँगी। तो लीजिए हो गई तैयार एक करी। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ कल फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।